ग्वालियर में पिसाई केंद्र पर अमानक खाद्य पदार्थ मिलने पर पुलिस ने केस दर्ज कर दिया है। पुलिस ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शिकायत पर पिसाई केंद्र संचालक के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम की कई धाराओं में मामला दर्ज लिया है। जानकारी के मुताबिक खाद्य विभाग को दाल बाजार में पिसाई केंद्र पर खाद्य पदार्थों में मिलावट किए जाने की शिकायतें मिल रही थी। पता चलते ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी लोकेंद्र सिंह के नेतृत्व में खाद्य विभाग और पुलिस की एक संयुक्त टीम पिसाई केंद्र का औचक निरीक्षण करने पहुंची तो पाया कि खाद्य पदार्थों में मिलावट है। इसके बाद सुरक्षा अधिकारी लोकेंद्र सिंह ने पुलिस को एक प्रतिवेदन दिया जिस पर पिसाई केंद्र के प्रोपराइटर राकेश गोयल के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 272, 273 के तहत कार्रवाई करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। कोतवाली थाना क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा अधिकारी लोकेंद्र सिंह जी ने एक जांच शिकायत आवेदन और प्रतिवेदन दिया है, जिसमें उनके प्रतिवेदन में ये बताया गया है कि उनके द्वारा खाद्य पदार्थ की जाँच की गई दाल बाजार क्षेत्र में, और उसमें चेकिंग करने पर जो है जो मानक स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड नहीं पाकर उनमें मिलावट होना पाया गया। तो उनकी रिपोर्ट पर से जो राकेश गोयल के विरुद्ध धारा 272 273 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया, प्रकरण विवेचना में लिया गया, विवेचना के उपरांत वैधानिक कार्रवाई की।